थोड़ा मुझे अपने बारे में थोड़ा बताएं, इंट्रोडक्शन करवाएं, कब से आप इसमें हैं और क्या आप तरफ से दे रहे हैं अपने क्लाइंट। इसमें तो लास्ट 7 ईयर्स से हूँ, और बेसिकली जो मेरा कंसल्टेंसी और इमिग्रेशन का जो फील्ड है ये ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अब होने वाले हैं। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो इमिग्रेशन का काम है स्पेशली, दैट इज अमेजिंग, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो तो। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जिनका इमिग्रेशन में मिनिमम 20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। लोगों की इतनी एज नहीं होती यंग जनरेशन की जितना उनका इमिग्रेशन में एक्सपीरियंस है। सो आए आज उनसे डिस्कस भी करते हैं और उनके एक्सपीरियंस के रिलेटेड पूछते हैं कि वो इमिग्रेशन किन कंट्रीज की करते हैं और किन कंट्रीज की इमिग्रेशन लेनी चाहिए और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद इकरामुल्लाह शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सर, कैसे कैसे हैं आप जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। थोड़ा मुझे अपने बारे में थोड़ा बताएं, इंट्रोडक्शन करवाएं, कब से आप इसमें हैं और क्या आप तरफ से दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, थोड़ी मुझे डिटेल में। मैं बेसिकली इसमें तो लास्ट 7 ईयर्स से हूं, और बेसिकली जो मेरा कंसल्टेंसी और इमिग्रेशन का जो फील्ड है ये ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अब होने वाले हैं, राउंड अबाउट पहुंच गए। माशाल्लाह जी, 20 ईयर लोगों की एज नहीं होती जो यंग जनरेशन। 2004 और अब चूँकि 24 आने वाला है, तो माशाल्लाह इसमें मेरा ये एक्सपीरियंस है। आई हैव स्पेंड टाइम स्पेशली, मैंने स्टडीज़ के ऊपर पहले वर्क किया, फिर इमिग्रेशन फील्ड में आया, और इमिग्रेशन में मुझे जब मैं आया तो मुझे स्पेशली शाहरुख साहब के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, और उससे क्या हुआ कि मेरी जो इमिग्रेशन की एक नई डिवेलपमेंट और नए आइडियाज, इवन आप कह सकते हैं कि जिससे मेरी ग्रोथ हुई, वो बेसिकली एस में आके स्पेशली इमिग्रेशन फील्ड के अंदर मेरी बहुत ग्रोथ। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है शाह साहब। स्टडी का एक अपना चार्म था सर, स्टडी अपनी जगह पे है, लेकिन जो इमिग्रेशन का काम है स्पेशली, दैट इज अमेजिंग, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो तो। अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है और आप सिर्फ लोगों के लारों पे चले जाएं, मैं यहाँ भी लफ्ज का सब यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लारा सिस्टम बहुत है, और लारे ने तो भाई फेर दिया लोगों की, उनकी बेचारों की प्रोफाइल होती नहीं और उनको मोटिवेट कर दिया जाता है कि वो केस फाइल करें, और वो बेचारे रिजेक्ट हो जाते हैं या वो उसी तरह के लारे पे लग जाते हैं, और वो बेचारे दो दो साल तीन तीन साल ख्वार होते रहते हैं। आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक 20 ईयर प्लस आपका एक्सपीरियंस है, मिनिमम 20 साल हो गए आपको इमिग्रेशन की फील्ड में, ये बताएं किस कंट्री की इमिग्रेशन एक फैमिली को लेनी चाहिए और उस इमिग्रेशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि क्लाइंट की अप्रोच में भी हो, रीजनेबल भी हो, अप्रोच में हो, वो थोड़ा सा गाइड कर दें। स्पेशली जो मैं तो मोस्टली अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त, और इजीली अगर आप अपनी फैमिली को एडजस्ट करवाना चाहते हैं, आप उसमें बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कनाडा इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन। क्योंकि कनाडा में बेस्ट डेस्टिनेशन क्यों है, क्योंकि वो एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन को वो सपोर्ट करते हैं, आपकी मेडिकल को वो सपोर्ट करते हैं, प्लस आपके बच्चों के वो एक्सपेंसिस को वो काफ़ी हद तक कवर अप कर रहे होते हैं। और अगर आप एजुकेटेड हैं, आइट्स अगर आपने किया हुआ है, तो ये आपके पॉइंट्स को बूस्ट कर देता है, और जल्दी इमिग्रेशन आपको कनाडा की मिलती है एज कम्पेयर कर आप, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, यूएसए है, लेकिन आप थोड़ा सा लटक जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर। कनाडा में अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, एजुकेशन है, तो आपको कनाडा बेहतर रहता है। ये बताएं कि एस और बाकी कंपनियों का डिफरेंस क्या है, और आप किस तरह एस को देखते हैं और बाकी कंपनी को देखते हैं कि क्लाइंट्स को एस के पास ही जाना चाहिए बाकी कंपनियां। बेसिकली एस को जो सबसे सपोर्टिव जो चीज़ आती है एस के लिए, वो स्पेशली क्या है कि एस हमेशा आपके डॉक्यूमेंट्स को देखता है। एस ये नहीं देखता कि इस बंदे के पास फंड्स हैं, ये फंड्स लगा के कनाडा की इमिग्रेशन दे सकता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास फंड्स भी हों लेकिन आप किसी कैटेगरी में ना आते हो, मतलब आपके पास आइट्स नहीं है, आपकी इवन कंपनी, अगर आपने एक कंपनी फॉर्मेट की हुई है पाकिस्तान के अंदर, आप टैक्सेस नहीं पे कर रहे, आपकी आपका बैंक अकाउंट नहीं है कंपनी का, तो इस बेसिस पे भी आप नहीं जा सकते। अगर आप LMIA वर्क परमिट की तरफ जाना चाहेंगे तो तब भी आपको एजुकेशन काउंट करती है, आपका आइट्स ज़रूरी है, ये चीज़ें बड़ी होती हैं आपके लिए जो सपोर्टिव हैं। तो एस जो है वो बेसिकली सपोर्ट ही ऐसे क्लाइंट्स को करता है जिनकी एजुकेशन हो, जिनका बैकग्राउंड हो, वो सिर्फ उठ के आके अपना केस फाइल करने ना आ गए हों, या ये नहीं है जी कि जैसे आम कंसल्टेंट्स करते हैं कि हर बंदे का केस पकड़ लिया और वो बेचारा एलिजिबल होता ही नहीं है, उसका केस फाइल कर दिया। एस में जो डिफरेंस है सबसे बड़ा, वो सर यही चीज़ है कि एस बेसिकली क्वालिटी को जरूर देख रहा होता है कि वो जो बंदा एलिजिबल है या नहीं है। अगर वो एलिजिबल है तो वो उसको बूस्ट करता है, उसको वो उसके ख्वाबों का
एक अच्छा रहनुमा बनता है आपको, इससे काफ़ी चीज़ें बेनिफिट्स में जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन वीक है, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, तो एस क्या फिर कोई भी कंसल्टेंट नहीं कर सकता। एस इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों को प्रॉपर गाइड करता है जिनकी हो इसमें कैटेगरीज, और जो वीक हो उनको वो मदद कर लेता है कि भाई आपका नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बेसिकली प्रोफाइल किसी भी सूरत में मैच नहीं करता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 7 ईयर से मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ पे सबने नहीं देखा कि मैट्रिक वाले भी बंदे आ जाते हैं। एक बुजुर्ग आ गए पिछले दिनों, वो कहते हैं जी मैंने स्टार्टअप करना है। अब हमारे पास स्टार्टअप बड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। स्टार्टअप में हम इजीली एक फैमिली को PR करवा देते हैं। जब उनसे मैंने पूछा कि आइट्स आपको करना पड़ेगा, वो कहते हैं जी कि आइट्स बेटा ये क्या बला होती है। मैंने कहा सर आइट्स बेसिकली है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, और ये इसमें आपको 5 स्कोर चाहिए होता है स्टार्टअप के लिए। तो वो कहते हैं वो नहीं हो सकता, उसके लिए भी पैसे ले लो। मैंने कहा सर पैसे नहीं हो सकते, अगर आप आइट्स कर लेते हैं तो मैं आपको प्रोसेस करने को तैयार हूँ, वरना मेरी तरफ से माजरत है। अल्लाह उस बेचारे के पास अच्छी खासी सर मतलब ही है फंड्स, वो 35 करोड़ के करीब वो मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर रहा था, लेकिन यूजलेस था, क्योंकि वो बेसिकली जब एक कैटेगरी पे नहीं आ सकता उसका फायदा नहीं। जब क्लाइंट आइट्स नहीं कर सकता तो डेफिनेटली हम भी उसका कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते। कनाडा हो, UK हो, USA हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी उन्होंने अगर एस के साथ मूव होना है तो उनको आइट्स लाजमी करना पड़ेगा। सेकंड थिंग मुझे ये बताएं, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें जस्ट आप विजिट पर भेज दें, विजिट पर भेज दें, तो हमने बस विजिट करना है। ये बताएं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए तो बंदे को विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं हो तो विजिट वीज़ा बिल्कुल भी कनाडा का, UK, USA का बिल्कुल ही अप्लाई नहीं करना चाहिए। विजिट के लिए जेन्युइन आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, ऐसी बैंक स्टेटमेंट जो शो ऑफ करती हो ऑनलाइन स्पेशली कि इस बंदे की इनकम आ रही है और ये मंथली अच्छा खासा कमा रहा है। उसके पास प्रूफ ऑफ फंड के मद में मिनिमम, अगर वो सिंगल पर्सन अप्लाई करना चाह रहा है तो 35 to 40 lakh उसके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो, एक मेन चीज़। दूसरा उसके पास जो इनकम है वो इतनी वर्थ उसकी शो कर रही हो कि जिसमें एम्बेसडर को पता होगा कि बंदा वाकई जेन्युइन जो टूरिस्ट है और ये घूम के आएगा और इसने ऑल ओवर द वर्ल्ड या यू कैन से दौड़ मतलब इसने 5-7 कंट्रीज में भी ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है और ये जेन्युइनली जाता है वापस आ जाता है। ऐसा बंदा जो लगे कि ये वाकई टूरिस्ट है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो ज़रूर अप्लाई करे विजिट के ऊपर, उसकी अलहमदल लगेंगे भी। लेकिन ऐसा बंदा जिसके पास बैंक स्टेटमेंट है, कहीं से लिए हुए पैसे डाले हुए, तो ऐसा बंदा कभी भी उसका विजिट का केस ओके नहीं होता। थैंक यू सर, आपने अपने कीमती वक्त में हमें थोड़ा सा टाइम दिया, तो नवाजिश आपकी। इंशाल्लाह कोई भी हमारे क्लाइंट्स को क्वेश्चन होगा तो दोबारा इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे। थैंक यू जी, जजाकल्ला, अपना ख्याल रखें।